उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में जमीन धंसने से पूरे जोशीमठ शहर पर संकट छाया हुआ है। अब ऐसा ही कुछ यूपी के अलीगढ़ में भी नजर आ रहा है। यहां कबरीगंज इलाके में कुछ घरों में अचानक दरार से स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों से घर खाली करने की अपील की जा रही है। अलीगढ़ में भी जोशीमठ जैसा हाल। कनवीरगंज के फर्श मोहल्ले में दहशत का माहौल। करीब 2 दर्जन मकानों की दीवारों में आई दरार। नगर निगम की टीम ने मौके का लिया जायजा। शासन ने सही से नहीं किया सीवर का काम, ये आरोप लोग लगा रहे हैं। कुछ महीनों पहले यहां हुई थी सीवर की खुदाई। बारिश का पानी मकानों की नींव तक पहुंचा और इसलिए आज मकानों की इस तरीके की हालत हो गई है। नगर निगम का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। कल जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, नगर निगम संज्ञान में आया, मैं स्वयं मौके पर गया और रात में मैं 9 बजे तक मौके पर उपस्थित था। पूरी नगर निगम टी चीफ ही, मुख्य अभियंता भी हमारे साथ थे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी साथ में थे। पूरी टीम रात में ही लगाई गई। पुलिया पे थोड़ा जाम था तो पुलिया को क्रैक कराया गया हैमर द्वारा, और आज भी मेरी पूरी टीम लगी हुई है और शाम तक पूरी साफ सफाई करा के व्यवस्थित उसको कराया। आप मौके पे गए, आपको प्रमुख वजह क्या नजर आई उन मकानों में क्रैक की? काफ़ी पुराना नाला ऊंचाई से नीचे की तरफ ढलान था, उसमें पानी अवरुद्ध हो गया, सीधे ना जाके साइड में चोक था जगह जगह पे, उन छिद्रों द्वारा पानी घरों में नीचे से, तो उसका पुरेंद्र नगर निगम ने संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई कराई जा रही है। तो जिन लोगों के मकान में नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए तो अभी देखा जाएगा प्रकरण किसकी गलती से क्या हुआ है, तो उसके सोचिस कार्रवाई की जाएगी। मौके पर निरीक्षण करने आए अधिकारियों को अब हम आपको सुनवाते हैं। मकान में दरार का अभी बेसिकली लग ये रहा है कि जो यहाँ पर पानी जो सीवर लाइन में या सीवर लाइन के किनारे जो जा रहा है, संभवतः उससे सड़क के नीचे जो कोई दरार वगैरह बन गई है, यानी कि जो कैविटी बन गई है, और उस वजह से लग रहा है कि शायद नीचे भी असर हुआ होगा इसका, तो ऐसे हुआ होगा। क्या लगता है, दहशत है लोगों में? नहीं, दहशत मीन्स ये कि लोगों से कहा गया कि भाई जो अपने मकान क्रैक हो गए हैं तो चूँकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है तो उन मकानों को अपना खाली करके और अपना कहीं साइड में रहें, तो उन्होंने कर भी दिया ऐसा। फिलहाल घरों को खाली करा लिया गया है। अब देखना है कि जांच के बाद आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है।